गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने फतेहाबाद में ट्रेनों में चलाया सतर्कता अभियान। यात्रियों को किया जागरूक, यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ साथ न लाने की दी हिदायत। रेलवे पुलिस बल ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर ट्रेनों में सतर्कता अभियान चलाया है। आरपीएफ फतेहाबाद के उप निरीक्षक हरिओम धाकरे के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया है तथा लोगों को जागरूक किया गया है। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल फतेहाबाद द्वारा फतेहाबाद रेलवे स्टेशन परिसर एवं पोस्ट के क्षेत्राधिकारी के स्टेशन पर ट्रेनों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ चेकिंग हेतु चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत सवारी गाड़ी को चेक किया गया। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, गैस सिलेंडर, विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ, पटाखा आदि नहीं मिली। साथ ही रेलवे पुलिस बल द्वारा ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं यात्रियों को जागरूकता के लिए पंपलेट बांटे। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ ना ले जाए, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस दौरान आरपीएफ के बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज रेलवे पुलिस द्वारा किस तरह का अभियान चलाया गया है? आज आरपीएफ फतेहाबाद के द्वारा 26 जनवरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। वैसे हम ऑल इंडिया लेवल पे ज्वलनशील पदार्थों को लेके और संदिग्ध वस्तु वगैरह इन चीज़ों को लेके भी एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमने यात्रियों को समझाया है कि यात्रा के दौरान कोई भी विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ है उसको लेके यात्रा न करें। कोई संदिग्ध वस्तु आपको रेल पर नज़र आती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको रेल पर नज़र आता है तो उसकी सूचना तुरंत आरपीएफ को या रेलवे हेल्पलाइन 139 पे कॉल करके आप दे सकते हैं। हाँ, हम अभी तो हम ज़्यादातर अभी राम मंदिर को लेके प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें भी हम विशेष सतर्कता बरते हुए हैं और गाड़ियों को रोजाना चेक करके ज़्यादातर गाड़ियों में हम चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद ही गाड़ी स्टॉपेज पर आगे जा रही है खड़े हो।